उदागर। हेलो दोस्तों, खबर लेरिया चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बांदा जिले के भूरागढ़ ग्राम सभा में हूँ और देखते हैं कि जिस तरह से सरकार ने जलकल विभाग की तरफ से पाइपलाइन भी जा रही है, पानी की व्यवस्थाएं कर रही है ताकि उन परिवारों को तरसना ना पड़े। लेकिन जब मैंने यहाँ के कुछ लोगों से जाना तो उनका ये भी आरोप है कि यहाँ पे लगभग 500 से 600 परिवार होंगे एक ही हैंडपंप है रेलवे क्रॉसिंग के पास, और हम लोगों जब बिगड़ जाता है तो काफी दूर दूर जाना पड़ता है, नहीं तो फिर मजबूरी में यहाँ पे नदी है किरण नदी, उसी का पानी पीना पड़ता है। तो फिलहाल हम यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या दिक्कत होती है। और यहाँ पे एक तस्वीर आप दिखाएंगे कि जो देख सकते हैं, ये तस्वीर है यहाँ पे वो सप्लाई जो नदी की पानी है, ये पानी से लोग नहाते धोते हैं। और यहाँ पे ये जो दीदी हैं, ये पानी अभी लेकर के जा रहे थे, इसी जो नदी सप्लाई पानी आता है और पीने के लिए या फिर नहाने योग्य है। आपका नाम दीदी? कमला। कमला है, ये गांव कौन सा है? भूरागढ़ है। तो पानी की दिक्कत होती है या नहीं? पानी की दिक्कत होती है कि नहीं? होती है। कैसे दिक्कत होती है, कहाँ जाती हैं आप लोग लेने के लिए? कुल दूरी पानी भर के लाई थे। कुल दूरी जाई थे पानी भरे। कितना दूरी जाना पड़ता है? फिल्टर ये जो हैंडपंप है टूट जाता है, बिगड़ जाता है तो हाँ दिन भर में कितना पानी ढोना पड़ता होगा? बहुत ढोना पड़ता है। तो आप ही लोग ज्यादा पानी लाते हैं यहाँ के घर के औसत सदस्य भी पानी लाते हैं? सब कोई लाता है, पूरी लोग लाते हैं। आपका यहाँ के प्रधान सुनवाई नहीं करते हैं क्या? नहीं करते सुनवाई। आपका जो हैंडपंप है वो अगर बिगड़ जाता है तो आपका पैसे इकट्ठा करके आप लोग बनवाते हैं या प्रधान बनवाओ थे? हम नहीं बनवाई था, हम झूठ नहीं बताई था। प्रधान ने बनवाओ थे, बेगर जाई तो प्रधान ने बनवाई, प्रधान ने सब कुछ करी। गाड़ी आ जाती है चाहे मर जा चाहे जी जा, नहीं देखी था नहीं सुनाई पड़ा था। पानी लेने गई तो कोई घटना हुई है ऐसा आप लोग की जानकारी में? अबे नहीं भैया, आपको पहले हो गई हो तो नहीं बता सकी था। ये पानी क्या करेंगे आप? बर्तन धो लग, ये बर्तन धुलने के लिए? हाँ इसी से यहाँ से होंगे। हाँ यही नहाते हैं, यही नहात हूँ, नहा कर लाई गया ते कहाँ से लाए जब मरन चाह जान लाई थे। तो बीमारी भी फैल सकती है ना, अगर कभी कदार वो बिगड़ जाते तो ये पीना पड़ता है या हाँ? यही कपड़े था का कर इसी को, तो इसे तो बीमारी पड़ेगी, बुखार खांसी जुकाम लड़का बच्चन का, जब हम पीबे तो वो पिए थे, ये तो होते है। अम्मा जी आप भी इसी जगह के रहने वाले हैं? यही जगह की। अच्छा तो कितने सालों से है पानी की दिक्कत? नहीं हम जब से यहाँ कने लाइन के कने आए न बस यहाँ पानी यह नदी का चल रहा है, जय बंद हो जाते बत्ती नहीं आते यहाँ बंद हो जाते हैं। आपके यहाँ बिजली समय से आती है? समय से आती है, बत्ती आती है। कोई ऐसी घटना हुई होगी जिससे पानी लेने में? हाँ जैसे हम निकली थे नहीं पानी लेंगे ना, ऐसे निकली थे गाड़ी आ गए धोखे में बस चले गए ना, कहा तो बोल दे बिट्टी गाड़ी मान लो गाड़ी अगर आ रही है मतलब नहीं सुनाई देता किसी को, बूढ़े बूढ़े बच्चों को किसी को नहीं सुनाई देता है, आ गया हो गई दुर्घटना, तो इस मोहल्ले में पानी की सख्त जरूरत है। यहाँ पे कितने लोग रहते होंगे दीदी? यहाँ कम से कम कुछ कमती नहीं तो 300 डेहरी तो है ही है। मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम सविता है। सबसे कहा है प्रधान, प्रधान तो मान लो सुन लेते हैं, मगर जितने नेता कर्मचारी आते हैं वोटन की समय में सब कोई दिखाई देता है, और वोटन के बाद फिर यहाँ 5 साल कोई दिखाई नहीं देता है। क्या उस समय वादे करते हैं?
वादे समय उस समय यही वादे करते हैं कि सब हो जाएगा, अगर हम जीत गए तो सब हो जाएगा, और जो जीत गए गद्दी में बैठ गए तो कोई कोई मतलब नहीं है। अभी चुनाव आने वाला है, जो लोकसभा चुनाव है, क्या करना, क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम लोग यही सोच रहे हैं कि वोट जब ही दिया जाएगा, जब ही दिया जाएगा, जब हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था होगी और ये रास्ता हमको मिलेगी। ये रास्ता नहीं है हमारे पास, कल के लिए ये रेलवे निकल रही है तो मान लो हम लोगों को रास्ता कहाँ से दी जाएगी? जब यहाँ से कहते 400-500 आदमी रह रहा तो यहाँ कहाँ से निकलेगा? ये रास्ता हमको चाहिए। तो रास्ता भी नहीं है, पानी भी नहीं, पानी भी नहीं है। ये समस्या काफी दिन से है। आज से नहीं है, कम से कम हो गए 50 साल जब से हम लोगों ने होश संभाला। कभी आप लोग कुछ अधिकारी के पास या जिले पे गए इस समस्या को लेकर के? भाई जब हम उतना पढ़े लिखे नहीं है उतनी हम लोग, अब जैसे अब तुम लोग, तुम आई हो, तुमसे हमने कह दिया कि दीदी हमारी ये समस्या है, तो दीदी ने तो कह दिया कि चलो तुम्हारा हो जाएगा। अब ये दीदी के ऊपर है कि दीदी करवाती हैं कि नहीं करवाती हैं। अधिकारी लोग आते हैं तो कभी देखते हैं, बात करते हैं कि नहीं आप लोग? हम लोगों से नहीं बात करते हैं, बड़े बड़े लोग जैसे कोई हमसे सयाना है, पढ़े लिखे हैं, उनसे बात होती, बाकी और किसी से बात नहीं होती है। यहाँ मेन समस्या क्या है कि रास्ता है और पानी दोनों है। भाई कल उम्मीद है कि कौन सी सरकार आएगी, कौन लोग आएंगे तो आप लोग की समस्या हल होगी? देखो अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सी सरकार आएगी कौन सी नहीं आएगी, ये हम नहीं कह सकते। ये तो कहता नहीं कि जिसका जिसका ये सितारा चमक रहा होगा वही ले जाएगा, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो। आप लोग किसको चुनना चाहती हैं? क्या लग रहा है कि विकास कौन हमें रास्ता देगा, कौन हमें पानी, कौन हमें ये सुविधा कराएगा जिसको हम वोट देंगे और वो मेरी सुविधा को सुनेगा? मोदी की राज में सुविधाएं बहुत मिली, लेकिन आप तो नहीं पहुंची आप लोगों तक, मतलब बीच के आ गए कि क्या लग रहा है आप लोगों को? अब क्या मालूम, मालूम इतना जानकार हो, पढ़े लिखे हो तो जाके खोज करें, इतना हम पढ़े लिखे तो है ना, सीधा उठा टेक आदमी है। भाई गरीबों के लिए तो बहुत कुछ आता है लेकिन गरीबों तक पहुंच नहीं पाता है। सब लोग जाती हैं वहीं जाते हैं जहाँ सब लोग जाते हैं। भाई यहाँ दिक्कत होती है, सब जाते हैं। पानी की दिक्कत बहुत होती है, एक नल यहाँ लग जाए तो सबको सुविधा भी रहेगी, तो पढ़ाई भी चलती है साथ साथ। यहाँ इसे मतलब पहाड़िया वाले में जाते हैं। अच्छा, तो अगर पढ़ाई भी करनी है, पानी भी लेने जाना है, अगर ट्रेन भी आ रही है, क्या दिक्कत होती है उसमें, क्या लगता है? रास्ता दे दे तो कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और पढ़ाई भी चलेगी हमारी, पानी भी सब कुछ होगा, सुविधा रहेगी सारा। बिगड़ जाता है फिर कितना दूर आप लोग जाती हैं और कोई जोर जाता है? फिल्टर जाते हैं और वहाँ नटवली बाबा के पास एक नल लगा, वहाँ जाते हैं, पहाड़ियाँ जाते हैं, जहाँ नल है तो वहीं वहीं जाते हैं। तो सबसे पानी की किल्लत कब होती है, किस मौसम में होती है, बारिश या जाड़ा या गर्मी? जब बिगड़ जाता है जब ही होती है पानी की दिक्कत। तो पीने लायक अच्छा पानी दे रहा है या फिर वही पानी बंद करके? सबसे अच्छा पानी तो यही नल का आता है और बाकी तो नहीं अच्छा लगता है पानी। फिल्टर का पानी सब लोगों सिमरन फिल्टर का पानी जाते हैं, जो जाना होता है हम तो वहाँ जाते हैं, जब कहीं का नहीं सब बंद रहता है तो फिर वहीं जाते हैं। नहाने के लिए यहाँ से लेते हैं? नहाने के लिए हाँ यहीं से लेते हैं। ये जो ये कहाँ से पानी आता है जो नहा रहे हैं लोग? केर नदी से। केर नदी से आता है। जैसे ये बाढ़ आती होगी तो ये भर जाता होगा? हाँ घर भी डूब जाते हैं। काफी समस्या है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो लोग नहा रहे हैं ये नदी की पानी है और इसी से नहाते हैं, पीने के लिए काफी दूर से पानी लाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आंगनबाड़ी केंद्र है यहाँ पे बच्चे भी पढ़ते होंगे ना, तो वो लोग कहाँ मतलब पानी उसी जगह से लाते हैं, बच्चे कैसे पीते होंगे पानी? पाइप से एक बार जब बच्चे पीते हैं। क्या नहीं बना है यहाँ पे? कुछ नहीं बना, हम नहीं बात कर रहे हैं, तो वही बात करते हैं। अच्छा, हम कुछ नहीं बना, जान के ना पेशाब करे, कना कोहू के
कुछ नहीं बनवा बहन जी खान का पेशाब कर का दूसरे घर में पेशाब कर जाती है नहीं तो ऐसे बैठे फिर मैदान में बहन जी के एक थे आंगनबाड़ी ये पंचायत भवन बनो रहते यही में खोले हैं बस नया का टिप टाप ना कुछ वही अपने से पंखा लगाए हैं अपने से कर देती हैं। अरे हम बैठती है जो परो पेशाब के तो वहाँ का जाई जाती है बिचारी जैसे हमारे लोगों के घर बने हैं कम कम यार मत बैठबे करी है उन्हें क्या राया इतना दूर से पानी लेकर जा रही है दी आप लोग इतना दूर से तो दोस्तों आपने देखा इन लोगों की ये भी कहना है कि जौन भी सरकार आएगी या चुनाव के समय जो लोग भी आएंगे जब तक हम लोगों के लिए पानी का मुद्दा बहुत ही कष्ट है अगर हैंडपंप बिगड़ जाए तो हम लोगों को कोसों दूर जाना पड़ता है फिर भी पानी नहीं मिलता है और रही बात रेलवे क्रॉसिंग के उस पार है तो कई हादसे भी हो जाते हैं।